आरंभ करी महावीर को उपासना मध्य जगन्नाथ बल्लभ मठ रे मध्य स्थानित पाई अछंती सुंदर भाव रे आज से पताका को जो प्रभुंकर पतित पावन पताका लागी करिबा निमन्ते अक्षय दंड निकट को चुनरा सेवक आगम रहिबुछंती। पतित पावन बना जेते बेले लागी करा जाय थाए संपूर्ण रूपे जना पड़े जे आज ध्वजाबंधा सेवा चुनरा सेवक अंतिम पर्यायर पहुंची समर्पित भाव प्रथमे करंती सेवा पूर्व समर्पी जानते सेवा को समर्पित दिये समर्पित भाव बा समर्पण ठाकुर पाखे तापर से सेवा संपन्न करते अक्षय दंड को खोलिबे। अक्षय दंड रे जो पतित पावन पताका रही अछंती ताकु भी मध्य उलागी करिबे एवं अक्षय दंड जेते बेले से तल को आनी थांती तांकर पतित पावन बाना हस्तगत होई थाए पतित पावन बानार अग्रभाग को मध्य आउ एक पताका रे बंधा जाई थाए पवन कोनसी उड़ी न जाऊ पवन बेगरे पताका रे सुरक्षा दृष्टि सुरक्षित दृष्टि रु अग्रभाग को बंधा जाई थाए ता खोलिबा परे अक्षय दंड रु पताका टिकु से काढ़ी थांती एवं आपण देखिबे से पताका जेतेबेले संपूर्ण रूपे अक्षय दंड रु उलागी करि थांती तापर तांकर आजर जो पताका नै थांती प्रभु प्रेरण करि थांती बा प्रभु को निर्देश रे जो रंग महाप्रभु स्थिर करिथिबे से रंग ही चुनरा सेवक नै श्रीमंदिर रो नीलचक्र रो शीर्ष स्थान को यात्रा करि थांती श्रीमंदिर रो जो ध्वजाबंधा सेवा आपण माने प्रत्यह दर्शन प्राप्ति होती ता सब बेले आपण देखिबे लक्ष्य रखिबे जो नीलचक्र को आपण माने दर्शन करुछंती चुनरा सेवक जोंटी सेवा संपन्न करुछंती जो स्थान तांको पाई से प्रत्येक दिन से स्थान रे ठिया होई सेवा संपन्न करंती संपूर्ण रूपे से गोटे पाद रखिबार स्थान सेठी नाही किंतु प्रभु को पाई से सेवा समर्पित करिथिबारु समर्पी जाइथिबारु सेवा संपन्न करुअछंती जो सेवा को देखिबे से गोटे गोड़ तांकर नीलचक्र उपरे आउ गोटे गोड़ अर्धभग्न रे नीलचक्र पानपत्र फांक मध्य रखि था कारण निजर शरीर भारसाम्य को सी रक्षा करथमें निजे सुरक्षित रही सेवा संपन्न तांकर करी था एवं जेते निजे सुरक्षित रहिले मध्य विश्वास प्रभु निकट में रही था प्रभु मध्य केबे भी जेबेठू ध्वजाबंधा सेवा माने सेवक माने करले चुनरा सेवक कौन कौन सी भी अघट